कोविड के सिलसिले में जो कॉलेजेस में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है किस तरह से, और उसके बारे में बात करने के लिए हम इस्माइल गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हैं। हम बात करेंगे वहाँ के प्रिंसिपल से। जी, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर हुमा मसूद। जी, और वैसे तो मेरा ताल्लुक उर्दू विभाग से है। जी जी, और आजकल मैं प्रिंसिपल का वो कर रही हूँ। जी जी, तो अपना दायित्व निभा रही हूँ। हमने कोविड के सिलसिले में जो भी रूल्स हैं उन सबका पूरी तरीके से पालन करा रहे हैं। बच्चे मास्क भी पहन के आ रहे हैं, अपने साथ सैनिटाइजर भी लेके आ रहे हैं, और दूरी बना के सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। क्लासेस का भी हमने थोड़ा ऐसे ही अरेंजमेंट कराया है कि डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाया है। कुछ हमारी क्लासेस ऑफलाइन हो रही हैं, कुछ हमारी क्लास ऑनलाइन भी हो रही है। थोड़े बच्चे जैसे 50% आने चाहिए इस तरह से, तो हम पूरे उसी तरीके उन्हीं रूल्स के ऊपर पूरा फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई अब फिलहाल कोई। अच्छा, तो क्लासेस को कितने लोग बच्चे हैं जो ऑनलाइन लगभग रोज क्लास ले जाते हैं? लगभग जैसे 50% से कभी कम कभी ज्यादा, वो बातें जो बच्चे नहीं आते वो ऑनलाइन जुड़ जाती है हमारे। अच्छा अच्छा जी, तो ऑनलाइन भी चलती है हमारी क्लास, ऑफलाइन भी चलती है। अब जो बच्चे इसमें आए हैं ग्रुप में, तो वो ऑफलाइन जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन बच्चे वैसे उससे शामिल हो जाते हैं। तो दोनों तरह का काम हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की स्टडीज चल रही है। अच्छा, आपको ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उनको लेके कुछ लोगों का ये है कि पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं बच्चे, तो आपको क्या लगता है? जी जी, बच्चे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पाते क्योंकि जो क्लास में आमने सामने टीचर को देख के जो इंटरेक्शन होता है वो तो होना जरूरी होता है, बच्चे उसी के आदि भी हैं, तो अब उनको जरा सा दिक्कत आती है। दूसरी एक दिक्कत उन बच्चों को बहुत ही आती है कि बहुत सारे बच्चों के पास कुछ गरीब परिवार से भी आते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ के यहाँ है फोन लेकिन वो एक ही हिस्से काम चला रहे हैं, तो वो फादर या भाई कोई ले गए हैं तो उनको दिक्कत, तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स आ तो रही हैं। लेकिन जो हम डाउनलोड वगैरह कर देते हैं बच्चों को, तो बहुत से नोट्स वगैरह, वो सब भी बच्चे से थोड़ा फायदा, लेकिन दिक्कत है ऑनलाइन में, दिक्कत बच्चों को है, वो क्लास में ही ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम क्लास में ही आए। तो उम्मीद है कि जैसे वैक्सीन आने की बात है तो अब आने वाली है, आ चुकी है, तो अब जल्दी जल्दी मामला ये रूटीन पे आ जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी उम्मीद है कि वैक्सीन के बाद हम तो यही दुआ करेंगे कि सब ठीक रहें, स्वास्थ्य ठीक हो जाए सबका, और इस तरह की जो ये कोविड की रहते जो कुछ भी पूरा एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल गया, जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई एक तरीके से, तो वो चेंज की वजह से ही ऑनलाइन ऑफलाइन और कॉलेजेस की सब ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आ रही हैं। तो ये सब मैं तो उम्मीद करती हूँ कि ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाना चाहिए, ऐसी मेरी ठीक है।